हेलो फ्रेंड्स, राज इतिहास के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आजादी के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच जो कुछ भी हुआ है वह कई पीढ़ियों को आज भी याद है। दोनों देशों के बीच युद्ध ने दोनों देशों की दिशा और दशा बदल कर रख दी है। हैरानी की बात यह है कि आज तक पाकिस्तान इस जंग से मिली शिकस्त को मानने को तैयार ही नहीं है। आए दिन हम भारत और पाकिस्तान की खबरों को लगातार सुनते आ रहे हैं। पाक की ओर से हो रहे हमलों के बाद भी भारतीय सेनाओं ने पाक को मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते कितने भी खराब हो, लेकिन भारत से कई चीजें पाकिस्तान को भेजी जाती है और पाकिस्तान से कई चीजें भारत में पसंद की जाती है। आइए जानते हैं वो पाकिस्तानी चीजें जिसे भारत में किया जाता है बेहद पसंद। आंकड़ों के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच सड़क रास्ते से 148 वस्तुओं का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता रहता है, जबकि जम्मू कश्मीर वाघा बॉर्डर से भारत पाकिस्तान के बीच रोजाना 50 से 60 ट्रकों के जरिए सामानों का आना जाना होता है। अगर भारत ने इन चीजों को खरीदने से किया इनकार तो तबाह हो जाएगा पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर वाघा बॉर्डर से भारत पाकिस्तान के बीच रोजाना 50 से 60 ट्रकों के जरिए सामानों का आना जाना होता है। हालांकि भारत से पाकिस्तान चीनी, चाय, ऑयल केक, पेट्रोलियम ऑयल, कच्चा कपास, सूती धागे, टाइगर रबर, रसायन समेत 14 वस्तुएं प्रमुख रूप से भेजा जाता है। मौजूदा समय में भारत पाकिस्तान के बीच दो अहम ट्रेन रूट है, जिसमें मुंबई से कराची समुद्र रास्ते के जरिए और वाघा बॉर्डर से लैंड रूट शामिल है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पूंछ में चाकंदा बाग और में सलामाबाद के जरिए कारोबार किया जाता है। हालांकि ये दोनों रूट जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर के बीच कारोबार के लिए अहम है। खास बात यह है कि इन सभी रूट के जरिए कारोबार में वृद्धि तब देखने को मिलती है जब राजनीतिक रिश्ते सामान्य रहे। वही किसी बड़ी आतंकी घटना या सीमा पार से घुसपैठ की घटनाओं के बीच इस रूट से कारोबार को बंद किया जाता है। आइए अब जानते हैं ऐसी चीजें जो पाकिस्तान से भारत आते हैं और यहाँ खूब बिकते हैं। पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर फल भारत आए, इसमें ड्राई फ्रूट्स, तरबूज और अन्य फल थे। पाकिस्तान के इन ताजे फलों का एक बड़ा बाजार भारत में है। यहाँ तक कि पाकिस्तान का आम भी भारत में ज्यादा पसंद किया जाता है। व्रत का सेंधा नमक और सीमेंट की मांग। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान का सेंधा नमक, सल्फर, पत्थर, चूना और सीमेंट भारत में खूब बिकता है। भारत में लोकप्रिय सीमेंट पाकिस्तान से ही बनता है। वहीं व्रत में इस्तेमाल किए जाने वाला सेंधा नमक भी पड़ोसी देश से भेजा जाता है। साथ ही सौंदर्य प्रसाधनों में इस्तेमाल होने वाली मुल्तानी मिट्टी पाकिस्तान से ही आती है। तीसरे नंबर पर चमड़े के सामानों का नंबर है। पाकिस्तान से चमड़ों के सामान ज्यादातर आते रहते हैं। मेडिकल के उपकरण, ये जानकर आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान हमें पेट्रोलियम उत्पाद तेल भी बेचता है। हमारे देश में इस्तेमाल होने वाले चश्मों में भी बड़ी मात्रा में ऑप्टिकल्स पाकिस्तान से आते हैं। बहुत से मेडिकल उपकरण भी हम यहाँ से मंगाते हैं। कॉटन और तांबा, पाकिस्तान बड़े पैमाने पर हमें कॉटन का निर्यात करता है। सातवें पायदान पर इस्पात और स्टील का नंबर आता है। जिस तांबे का हम इस्तेमाल करते हैं वो भी खासी मात्रा में पाकिस्तान से ही आता है। इसके साथ ही आता है गैर कार्बनिक केमिकल्स, मेटल कंपाउंड भारत पाकिस्तान से मंगाता है। आपको ये भी जानना जरूरी है कि पाकिस्तान के कौन से ब्रांड्स भारत में खूब पसंद किए जाते हैं। ये ब्रांड कश्मीर में मिलते हैं। पाकिस्तान का एम्ब्रॉयडरी और कॉटन फैब्रिक ब्रांड बेरी जी के दो स्टोर दिल्ली में है। साथ ही जुनैद जमशेद भारत में पसंद किया जाता है। यही नहीं, लाहौर के कुर्ते, पेशावरी चप्पलें भी दिल्ली में बिकती है। इन्हें पसंद करने वालों की कमी नहीं है। ये है वो 10 चीजें पाकिस्तान से भारत आती है और यहाँ उनकी खूब डिमांड रहती है। ऐसे सामानों में ताजे फल, सीमेंट और चमड़े के सामान शामिल है, जो न केवल बड़े पैमाने में सीमा पार से यहाँ आते हैं बल्कि पसंद भी किए जाता है। हालांकि जम्मू कश्मीर पर भारत के फैसले से बौखलाए पाकिस्तान ने द्विपक्षीय व्यापार को निलंबित करने संबंधी जो धमकी दी है उससे आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के निर्यात पर खासा प्रभाव पड़ सकता है। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।